subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello friends, myself Vedika Kishor Shirsagar belong to 6C from Sanskar 9th Samudra. दोस्तों आज मैं आपके लिए वॉल डेकोरेटिंग हैंगर लेकर आई हूँ। आप देख सकते हो इससे हम अपनी रूम डेकोरेट कर सकते हैं। इसको बनाने के लिए हमें कुछ चीज़ें लगेगी, जैसे कि दिस इज ए कार्डबोर्ड, दिस इज ए सीजर, फेविकॉल, वाइट मोतीज, कलरफुल डेकोरेटिंग स्टोन्स, डबल टेप, कलरफुल माइक्रो थ्रेड, रंगीला टू स्टार पेंट स्टार, दी कलरफुल वूल। अब हमने इस कार्डबोर्ड पर मून का शेप निकाल लेना है। अब हम इसे कट कर लेंगे। आप देख सकते हो मैंने इसको मून के शेप में कट कर लिया है। ब्लैक लोकर इजीली हमारे घर में होता ही है। पूरे इस मून को जो शेप है उसको हमें पूरे शेप को डेकोरेट कर लेना है। ब्लैक लोकर इजीली हमारे घर में होता है, हमें ब्लैक लोकर से पूरा ये जो शेप है उसे पैक कर लेना है, डेकोरेट कर लेना है। दिस इज ए पिंक वूलन, इससे हम अब फ्लावर बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ फिंगर। अब हमारे पास 3 फिंगर्स है और 3 फिंगर्स एक फिंगर ऐसे रख देना है और 10 टाइम ऐसे राइट। जैसे कि आप देख सकते हो मैं 3 फिंगर्स का यूज करके राउंड कर रही हूँ। अब हम इसे निकाल लेंगे। अच्छी तरह से हमें निकाल लेना है क्योंकि ये निकल ना जाए इसलिए। फिर अब हमें इसे ब्लाइंड करना है डिस्प्ले पीस ऑफ माइक्रो थ्रेड से। देखो मैंने इसे अच्छी तरह से बांध लिया है। अब मैं ये जो साइड के है वो कट कर लूंगी। फिर हमें ये ऐसे आप देख सकते हो ये ब्यूटीफुल फ्लावर मैंने बना लिया है। इसी तरह से हमें अब 10 फ्लावर्स और बनाने हैं। जैसे कि आप देख रहे हो हमने स्टार निकाल लिया है विद द हेल्प ऑफ पेंसिल। अब हम इसे कट कर लेंगे। देखो विद द हेल्प ऑफ सीजर मैंने ये काट लिया है। अब ये स्टार के शेप में आ चुका है। अब हम येलो और वाइट कलर का कलर यूज करके हम अब स्टार को पेंट करेंगे। अब आप देख सकते हो मैंने येलो और वाइट कलर का पेंट करके इसको पेंट कर लिया है यूज करके। अब ये पेंट हो चुका है। अब आप देख सकते हो ये रेडी है। अब जिस तरह हमने वूलन थ्रेड के फ्लावर बनाए थे उसी तरह हम माइक्रो थ्रेड के भी फ्लावर बनाए। इसी तरह हमने तीनों तरह के फ्लावर्स बना लिए हैं। पिंक है सबसे छोटा, फिर ये थोड़ा बड़ा और उससे भी बड़ा। विद द हेल्प ऑफ डबल टेप अब हम यहाँ पे स्टार पर ये फ्लावर चिपकाएंगे। अब मैंने यहाँ पे डबल टेप लगा दिए है। अब मैं यहाँ पे 3 वाला फ्लावर स्टिक कर दूँ। आप देख सकते हो मैंने ये स्टिक कर लिया है। अब हम इसी तरह से दोनों इस पे पिंक और येलो कलर के फ्लावर चिपका देंगे। इस तरह हमारे तीनों फ्लावर रेडी हो चुके हैं। अब मैंने स्टार को ये वूलन थ्रेड बांध लिया है। अब हम इसमें एक एक मोती डाल देंगे। देखो मैंने इस तरह एक मोती डाल दिया है इसमें। इसी तरह हमें और सारे मोती डाल देंगे। आप देख सकते हो मैंने इसमें मनी डाल दी है। इसी तरह से अब हमें वो दोनों स्टार में डाल देने हैं। आप देख सकते हो मैंने फ्लावर चिपका दिया है। बाकी के फ्लावर हमें इस तरह से चिपका देने हैं। इसी तरह से मैंने पूरे फ्लावर्स चिपका दिए और उस पे ऊपर डेकोरेटिंग कलरफुल स्टोन्स भी चिपका दिए हैं। ये जो स्टार हमने पहले बना लिए थे वो अब हम इस चांद पर लगा देंगे। ऐसे नीचे से ब्लाइंड कर देंगे विद द हेल्प ऑफ डबल टेप। अब हम इसको चिपका देंगे। देखिए इस तरह मैंने डबल टेप की हेल्प से चिपका दिया है। इसी तरह हमें दोनों भी वो चिपका देने हैं। इसी तरह अब मैंने इसको बना लिया है। अब यहाँ पे लटकाने के लिए हमें उलन की
मदद से अब हमें उन्हें बनाना होगा। अब ये वॉल पर लगाने के लिए अब हम कुछ उलन की मदद से बना लेंगे। ये वॉल पर लटकाने के लिए हमें हैंगर की ज़रूरत पड़ेगी। उसके लिए हम इस ऊल से बनाएंगे। वो ऊल का छोटा सा पीस हमने अब कट कर लिया है। अब हम इसे बांध देंगे टॉप ऑफ भी। ये जो चांद का है उसके टॉप में हम बांध देंगे अब ये। इस तरह अब हमारा ये वॉल डेकोरेटिंग हैंगर बन चुका है और ये आपके वॉल पर बहुत ब्यूटीफुल दिखेगा। इसी तरह से हमारा वॉल डेकोरेटिंग हैंगर बन चुका है जिससे आपकी रूम बहुत अच्छी लगेगी। ओके, थैंक यू।